Hello everyone, how are you all? Here I am going to talk about major cities and towns in Jammu and Kashmir. District Jammu mein, first of all we have Akhnoor. Akhnoor is an archaeological site. Hai. Ye hume samajhna hoga. Kyun? Kyunki yahan pe bahut forts hum dekh sakte hain. Aur you know, pahadiyan dekhne ko milti hain. Iske foothills mein kuch hume forts dekhne ko milte hain. Theek hai? तो अखनूर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जो कहाँ पे है जम्मू में पड़ता है एंड ये 28 किलोमीटर जम्मू से दूर है और ये फुट हिल्स हिमालय की जो फुट हिल्स है ना जैसे फॉर एग्जांपल ये हिमालय है उसके फुट हिल्स पे हमें अखनूर देखने को मिलता है और इसमें ही बहने वाली चिनाब रिवर्स जो है ये जो है उसके बैंक पे स्थित है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये पुराने ज़माने में मतलब वो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अर्निया, अर्निया भी जम्मू में पड़ता है, ये एक नोटिफाइड एरिया कमिटी, ये तो हम नहीं जानेंगे, स्पेशलिटी को जानेंगे। इस अर्निया का मेजर बॉर्डर जो शेयर होता है, ठीक है, मेजर बॉर्डर शेयर होता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, POK वाला पाकिस्तान, ठीक है। तो ये तो हो गया अर्निया। फिर आता है बिश्ना। बिश्ना भी एक टाउन है, ये सिटी नहीं है, बिश्ना एक टाउन है जम्मू में एंड काफ़ी डेवलप एरिया है क्योंकि ये यू नो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट रखता है, इम्पोर्टेंस है। जूरियाँ, जूरियाँ योरियाँ कुछ भी पढ़ लो इसको, तो ये भी टाउन जो है यू नो मुस्तफ़ा खान जागीरदार ने इसको इस्टेब्लिश किया था एंड रख दोख जो है जूरिया से 5-6 किलोमीटर दूर है। इट इज़ नोटिफाई एरिया कमिटी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। आगे हम देख लें रणबीर सिंह पुरा। रणबीर सिंह पुरा जो है जम्मू में पड़ता है, यहाँ पे बाघा बॉर्डर का कुछ मतलब कि प्रोग्राम होते हैं, ओकेजनली ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। RSपुरा स्पेशल यू नो फॉर द बासमती राइस, फेमस फॉर बासमती राइस। ये सब डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक टाउन है, ठीक है। और इस टाउन में जो है जम्मू सियालकोट लाइन पहले इस्टेब्लिश हुई थी ना, जो पाकिस्तान के साथ जो कनेक्ट होती थी, जो रेलवे लाइन है वो यहीं से होती थी। इस टाउन ट्रेन स्टेशन था, फिर कट हो गई थी। यहाँ पे राइस मिल्स देखने को मिलती हैं, हाई क्वालिटी बासमती राइस, ठीक है। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यहाँ पे लाइक गहना वेटलैंड, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे बहुत सारे आते हैं एशिया वाले जोन से एंड यहाँ पे ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, ये तो होता ही है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं RSपुरा में, डिग्री कॉलेज हो गया, हायर सेकेंडरी स्कूल हो गए। यहाँ की जो मेन लैंग्वेज जो बोली जाती है वो है डोगरी। जम्मू वाला एरिया जो रीजनली देखा जाए तो वो सारा का सारा डोगरा ही मिलेगा आपको। आगे है खौर। खौर, खौर किन्नेवार ये नहीं, खौर एक सब डिवीज़न है, ठीक है। और ये नोटिफाई एरिया कमेटी हो गया, मतलब कि तरीके का टाउन कह सकते हैं। हमें इसमें ये जानना है कि फेमस टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात करें तो विजयपुर में जो अभी एम्स बन रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सांबा में जो है बहुत सारे हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं, संभ्याल राजपूत क्लैन देखने को मिलता है, मॉडर्न इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्सेस वहाँ पर निर्माण किए गए हैं। सिडको हम देखते हैं, सिडको हो गया, रिवर बसंतर जो है जो हम जब हम अपने कॉलेज को पार करते हैं, हमारा पुल नहीं आता, पुल में जो रिवर बसंतर ही उसे कहा जाता है, सांबा में बसंतर रिवर मानी जाती है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर भी है। तो ये तो था सिडको वाला, इसको फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं यहाँ पे, यू नो बियर्स की फैक्ट्रीज देखने को मिलती है
और यहाँ पे बहुत तादाद में जो है फैक्ट्री में लगे हैं लोग, तो ये हम जानने हैं। और अगर बड़ी ब्राह्मणा जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, बड़ी ब्राह्मणा, ठीक है, बड़ी ब्राह्मणा एक नाउ टाउन है, ठीक है, सिटी की, सिटी उसको कहा जाता है जिसकी टाउन से पॉपुलेशन ज़्यादा है। और बड़ी ब्राह्मणा एक टाउन है जिसमें ये बताया गया है कि ये जो एरिया है बड़ी ब्राह्मणा, वो एक इंडस्ट्रियल सिटी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की गई है। बहुत सारे लोग जो हैं सिडको ना जाते हुए आगे बड़ी ब्राह्मणा में बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं, ठीक है, और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है जम्मू का, एंड बड़ी ब्राह्मणा जो है लार्जर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलती है बड़ी ब्राह्मणा में। ये जो बड़ी ब्राह्मणा में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो देश की जो स्टेट की जो या यूटी कह लो, यूटी की जो जीडीपी है उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करती है, टैक्सेस भरती है, जैसे कि इतना मतलब कि कमाई वगैरह करती है। तो बड़ी ब्राह्मणा वर्ड कहाँ से मिलके बना है, बड़ी और ब्राह्मण, ब्राह्मणों की धरती, बड़ी बड़ी हो गया ओपन ग्राउंड, ठीक है, और ब्राह्मण ब्राह्मणा हो गया ब्राह्मण्स का मतलब ब्राह्मण, एक डोगरी ड्राइव्ड वर्ड है बड़ी ब्राह्मणा, बड़ी मतलब ओपन ग्राउंड, ब्राह्मणा हो गया ब्राह्मण्स। तो ये यहाँ पे हाईएस्ट जो कास्ट है वो एक ही यू नो ब्राह्मण्स की होती है। हिंदुइज्म में सबसे बड़े उच्च स्तर की जो कास्ट होती है वो ब्राह्मण होती है, और ब्राह्मण जो है बड़ी ब्राह्मणा से मिलके बना है। और ये यहाँ पे ब्राह्मण का गार्डन है, ठीक है, इस तरह से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आता है बसोली, बसोली में जो बसोली ब्रिज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बसोली बसोली ब्रिज इज़ यू नो जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, और बसोली ब्रिज को मतलब कि कनेक्ट करने में वेरी वेरी इजी। और ये सिचुएटेड है रावी रिवर के ऊपर, तो रावी रिवर आ रही है तो रावी रिवर के ऊपर जो है तारों के साथ कनेक्ट किया गया एक अभी ब्रिज बनाया गया, ठीक है, और नीचे से हमारी रिवर रावी निकल रही है। आगे अगर हम बात करें बसोली जो है पेंटिंग्स के लिए भी बहुत जाना जाता है, मिनिएचर पेंटिंग्स हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, विच आर नाउ इन द रूल्स एंड मिनिएचर पेंटिंग। आगे बात करें बिलावर, बिलावर एक टाउन है, ठीक है, और बिलावर का मतलब ही वीरता से होता है, यू नो बेलर, बेलर मतलब हिम्मत दिखाना, जहाँ वीरता के उससे कनेक्ट किया जाता है, इसीलिए पहले बेलर यहाँ पे जो राजा लोग थे, रॉयल फैमिलीज के जो लोग थे वो बहुत बेलर नाम से जाने जाते थे, या उनके बहादुरी के किस्से आज भी सुनने को मिलते हैं, इसीलिए बिलावरिया, बिलौर, बेलोरिया, बिलौरिया, ये आज के टाइम पे इसका टाइम पूरा तब्दील ही हो गया, इसका नाम बिलावर हो गया, बिलावर जो डिंगाम के ऊपर हमें देखने को मिलता है, कठुआ में पड़ता है ये। इसमें जो है महाबली या महाबिल बकेश्वर टेम्पल देखने को मिलता है, जो एक शिवा का टेम्पल है, और हरिहरा टेम्पल भी बसो बिलावर में देखने को मिलता है, ठीक है। अब पूछोगे कहाँ मिलता है, ये आप खुद जाके देख लेना। हीरानगर देखें तो हरी हीरा सिंह नाम का राजा था, वो यहाँ पे रहता था, ठीक है, और ये टाउन बना दिया उन्होंने, फाउंड कर दिया, ठीक है, 18th सेंचुरी की बात है ये। और जागीर ऑफ जसरोटा बाय द महाराजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब, ठीक है, और यहाँ पे जैसमेर गढ़ फोर्ट है, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं लाइक कोर्ट है, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं, और यहाँ पे बहुत सारे यू नो
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अभी हम देखते हैं, कंप्यूटर कर रहा है कोई, आईआईटी कर रहा है, आईटीआई, तो ये सभी हीरानगर हम देखेंगे। अब हमारा आता है इसी में नेक्स्ट बनी। बनी एक तहसील है कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, जम्मू कश्मीर में पड़ती है, 56 किलोमीटर है नॉर्थ में, एंड कठुआ क्वार्टर इसमें आता है और इसका हेडक्वार्टर जो है कठुआ है। तो बेसिकली बनी एक पहाड़ी इलाका है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बनी हो गया, हीरानगर हो गया, बिलावर हो गया और कसौली हो गया, ये चार डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जिसमें हमने कठुआ पढ़ना था। अब हमारा आता है उधमपुर। दोस्तों अभी हम उधमपुर के बारे में बात करेंगे। उधमपुर में सबसे पहले आता है चनैनी। चनैनी एक स्मॉल टाउन है यहाँ पे जो है उधमपुर में पड़ता है, और यहाँ पे चनैनी में अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट रोड टनल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अगर यहाँ पे चनैनी और नशहरी टनल हमने पढ़ा था, और जो पत्नी टॉप बीच में पड़ता है इन दोनों के टनल, चनैनी और नशहरी टनल जो है अभी अभी जो बन के निकला है, हमने पढ़ा भी था, एंड जो है उधमपुर में ही पड़ता है चनैनी और नशहरी टनल। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें ही जो है चनैनी नशहरी टनल के पहले जो हमारा NH1A था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रैफिक जाम रहता था उस पर। अब चनैनी नशहरी टनल बन गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाम जो है कम देखने को मिल सकता है। और पत्नी टॉप का तो हमें पता ही है कि किस तरह से जो स्नोफॉल वहाँ पे देखने को मिलती है, हिल स्टेशन है, एंड विंटर में लोग जाना प्रेफर करते हैं। पत्नी टॉप एक एक तरीके से एक हिल स्टेशन माना जाता है, मिनी कश्मीर कह सकते हैं इसको। एंड नेक्स्ट हमारा आता है रामनगर। रामनगर एक टाउन है उधमपुर का ही, और इसको हिस्टोरिकल स्मॉल टाउन कहा जाता है। कहते हैं रामनगर में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी पाई जाती है। यहाँ पे बहुत सारे जो नील गाय हो गई हमारी, ठीक है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे आगे, पर अभी के लिए हमें रामनगर को एज एन हिस्टोरिकल स्मॉल टाउन कहना होगा। एंड यहाँ पे राम सिंह रहते थे इसलिए रामनगर बन गया ये। कहते हैं राम सिंह जो थे वो डोगरा रूलर थे एंड किंग, उन्होंने पैलेस बनाया था, फोर्ट कह सकते हैं, एंशिएंट फोर्ट, राजा सुचेत सिंह ने, ठीक है, बनाया था। ये जो राजाओं ने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया ये थोड़ा थोड़ा हमें नॉलेज होना चाहिए, पूरा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम टाउन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भद्रवाह की बात करेंगे सबसे पहले। डिस्ट्रिक्ट डोडा, डोडा डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह के लिए जानी जाती है क्योंकि भद्रवाह जो है हिमालय के एकदम फुट हिल्स में पाया जाता है। एंड बटोट से 80 किलोमीटर जो है थोड़ा फार अवे है फ्रॉम, ठीक है, बटोट से। तो बटोट से बहुत सारे रास्ते जाते हैं, लाइक खुद में जाता है और फिर आगे नशहरी तक जाता है, एंड बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बटोट में देखने को मिलती हैं। तो जो है ये भद्रवाह जो है बटोट से 80 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और जो भद्रवाह है वो उसको मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि सीनिक ब्यूटी बहुत है। एंड इनको जो है भद्रवाह को नागों की भूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे नाग, लैंड्स ऑफ नाग है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, नागों की भूमि हो गया, लैंड ऑफ स्नेक्स लाइक दिस, ओके। तो किश्तवाड़ एक म्यूनसिपैलिटी है, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी हो गई। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे किश्तवाड़ के आगे और, ठीक है। तो किश्तवाड़ एक म्यूनसिपैलिटी है जो अर्बन एरियाज़ में जो होता है ना गवर्नमेंट, वो म्यूनसिपैलिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे पंचायती राज सिस्टम में। अभी के लिए हम किश्तवाड़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किश्तवाड़ में बहुत सारे सेंटर हब है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हब किसका है, लाइक
हाउसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट के ऑफिसेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लाइक डेप्यूटी कमिश्नर हो गया, एडिशनल ठीक है कमिश्नर हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, ठीक है चीफ मेडिकल एजुकेशन, एजुकेशन हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर, शीप शिप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, DFO, ACD, DE, ये सभी जो ऑफिसेज हैं वो हेडक्वार्टर्स या एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं किश्तवाड़ को, एक तरीके से जो भी ऑफिसेज गवर्नमेंट ऑफिशियल काम होते हैं वो किश्तवाड़ में देखने को मिलते हैं, हब कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिटी डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, है ना। और इसी एरिया से हमारी जाती है कह सकते चिनाब, सो हेयर आई एम अगेन, यू नो, तो चिनाब रिवर जो है यहाँ से फ्लो करती है इस डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ पे चिनाब रिवर होने की वजह से यहाँ पे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम देख सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे बहुत सारे हमें देखने को मिलेंगे, लाइक दुलहस्ती हो गया जो 390 मेगावाट पावर को प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रो पावर से, ठीक है पानी की जरूरत से। नेक्स्ट वी हैव राठल, और फिर आगे हमारा खितरी, खिताई, खितरी पानी, पकल धूल, ठीक है लोअर कलनाई चौधरी, हाईएस्ट पर कैपिटा वेटेज प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इन स्मॉल एरिया, एक छोटा सा एरिया है वहाँ पे चिनाब रिवर बह रही है, एंड इसके ऊपर हमने क्या बना दिया, राटल हो गया, राटल ठीक है, दुलहस्ती हो गया, फिर हमारा हो गया ठीक है, और हमने पता नहीं है ये नाम हो गया कि किरथई, किरथई हो गया, पकल धूल हो गया, ये सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हेल्पफुल हैं, ठीक है यहाँ पे मतलब कि एक तरीके से पावर कंजप्शन, पावर को प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स का यूज़ किया गया है। पाडर, पाडर, पाडर भी एक जगह है कश्मीर में, यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, लाइक कश्मीर का स्पेयर जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, अब स्पेयर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। आगे हम बात कर लेंगे, किश्तवाड़ हो गया हमारा, नेक्स्ट वीक पुंछ की बात करें तो पुंछ में हमारा सबसे पहले आता है सूरनकोट, सूरनकोट के बाद हमारा जो है यहाँ पे हमें पीर पंजाब रेंजेस देखने को मिलती हैं एकदम सामने सामने, ठीक है और नेक्स्ट वी हैव धुंधक, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें धुंधक टेंपल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, कहाँ पे, सूरनकोट में, ठीक है आगे हम बात करें मंडेर, मंडेर एक तहसील है पुंछ की, और यहाँ पे हमें सिर्फ एक तहसील है यही हम याद कर लें तो बहुत है, रामबन देख लेते हैं, रामबन में बटोट, बटोट एक जगह है, टाउन है ठीक है, यहाँ पे नेशनल हाईवे हमने बहुत बार यहाँ से गुजरता हुआ देखा है, नेशनल हाईवे 44 की बात कर लें और भी बहुत सारे रोड्स के माध्यम से हम बटोट के माध्यम से जाते हैं, तो रामबन में बटोट आता है और बटोट जो है नेशनल हाईवेज के लिए, लाइक और भी अगर इसकी बटोट की बात करें तो यहाँ पे हमें हाई क्वालिटी के किडनी बीन्स मतलब राजमा हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राजमा जो फेमस है बटोट के हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है खेती की जाती है, एंड अगर हम बात करें यहाँ के वेदर की तो बहुत प्लेजेंट है ये तो हमें पता ही होगा, ठीक है बनिहाल भी जो है हमारा रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है नेक्स्ट भी है बनिहाल, बनिहाल जो है ठीक है बिलजर्ट, बिलजर्ट इन कश्मीरी लैंग्वेज, ठीक है बनिहाल को एक कश्मीरी वर्ड है, ठीक है एंड इसका जो डिस्टेंस है बनिहाल और काजीगुंड का एक टनल है, ठीक है काजीगुंड टनल ट्रेन टनल जो है वो बनिहाल से लेके काजीगुंड तक है, 18 किलोमीटर का टनल है तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, तो ये भी हमें देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें तो यहाँ पे ज्योतिपुरम, ज्योतिपुरम अगर बात करें तो यहाँ पे NHPC
ये एक जो है बेसिकली जो पावर को कॉप, तो यहाँ पे हम रियासी की बात कर रहे थे। तो रियासी में ज्योतिपुरम जो है एक यहाँ पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी भी आ सकते हैं पेपर में। तो सलाल हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है, जो कहाँ पे है, ज्योतिपुरम में। ज्योतिपुरम में हमें देखने को मिलता है एक स्मॉल टाउन, ज्योतिपुरम एक टाउन है जहाँ पे हमें हाइडल पावर प्रोजेक्ट को देखने को मिलता है, सलाल हाइडल इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली पावर को प्रोड्यूस करने के लिए जो है हमें देखने को मिलता है ये, ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये जो है ज्योतिपुरम से 10 किलोमीटर दूर है। तो सलाल हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इस तरह से हमें देखने को मिलता है। आगे हम बढ़े, रियासी में ही हमें मिलता है कटरा, ठीक है। कटरा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कटरा में जो है वैष्णो देवी, ठीक है, कटरा में जब हम वैष्णो देवी की केव तक जाते हैं तो वहाँ से जो रास्ता हमें देखने को मिलता है कटरा से ही हम लेते हैं, ठीक है। तो कटरा से आगे हमें देखने को मिलता है पॉपुलरली नोन सब डिवीजन इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो ये तो था ये कटरा का ब्यौरा। कटरा कहाँ पे है, त्रिकुटा माउंटेन्स जो है हमारी, ठीक है, हिमालय में एक रेंजेस है, बहुत सारी छोटी छोटी रेंजेस हैं, तो हमें मिलती है त्रिकुटा रेंजेस। तो त्रिकुटा रेंजेस के फुटहिल्स में ही हमें क्या मिलता है जो है, सॉरी कहाँ पहुँचे थे हम, रियासी में पहुँचे थे ना, वेयर इट इज़, तो बाई, हाँ, फुटहिल्स ऑफ त्रिकुटा माउंटेन्स में पड़ता है होली श्राइन, जो वैष्णो देवी की जो केव है वो वहाँ पे ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी हैव टॉक अबाउट नेस। सो दोस्तों हम पढ़े थे कटरा, कटरा कहाँ पे पड़ता है, त्रिकुटा माउंटेन फुटहिल्स पे पड़ता है जो वैष्णो देवी के लिए रास्ता जाता है हमारा, ठीक है। वैष्णो देवी एक यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी की। तो रियासी में ज्योतिपुरम सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है, ये सभी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ज्योतिपुरम में जो है चल रहा, कटरा हो गया, कटरा कहाँ पे पड़ता है, कौन सी रेंजेस पे पड़ता है, एंड ये सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चंस पूछ लेता है। राजौरी की बात करें तो राजौरी में सबसे पहला जो हमारा टाउन है नौशहरा आता है, ठीक है, ये राजौरी में पड़ता है नौशहरा। और ये जो है इसकी मतलब कि एक तहसील है। सुंदरबनी की बात करें तो सुंदरबनी, सुंदरबनी या सुंदरबनी, ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, राजौरी में है सुंदरबनी और इसकी जो लोकेशन है काफ़ी हाई है, एंड यहाँ पे जो मल्ला टॉप है वो देखते ही बनता है, काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे पड़ता है राजौरी की मल्ला टॉप, तो सभी देखना चाहते हैं माला टॉप, माला टॉप या मल्ला टॉप कुछ भी कह लो, थन्ना मंडी, मंडी कह लो, थाना मंडी, थाना मंडी जो है, थन्ना मंडी डिजाइट, तो ये जो है थाना मंडी जो है मुगल रोड पे पड़ता है जहाँ से नूरजहाँ जाती आती रहती थी। और बेसिकली ये मुगल रोड इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पे सिर्फ मुगल्स चलते थे और जो पब्लिक थी वो नहीं चलती थी। एंड इस टाउन पे जो है मस्जिद देखने को मिलती है, एंड बुशा यूनिवर्सिटी आल्सो फाउंड हियर, थाना मंडी में भी मिलती है। अनंतनाग, अब हम आ गए हैं हमारे कश्मीर रीजन में, तो कश्मीर में आछाबल हो गया, आछाबल जो है टाउन होता है कहाँ पे पड़ता है, ये अनंतनाग में आ गए ना हम लोग, तो अनंतनाग में जो आछाबल स्प्रिंग है ये लेक कह लो, तो ये यहाँ पे देखने को मिलती है अनंतनाग में ही। एंड सोनसर जो है हमारी हिल्स भी यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी हैव बेरंग रिवर की यहाँ पे कुछ चर्चाएँ हैं,
तो मेरंग रिवर जो है डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्राडिक्टिंग है, ये हम नहीं पढ़ेंगे। जो कॉन्ट्राडिक्टिंग होता है ना कहीं उसको हमने छोड़ना होता है। ब्रिज बेहरा जो है अनंतनाग में पड़ता है, ब्रिज बेहरा से ही जो है हमारी महबूबा जी हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी वहाँ की, वहाँ से ही वो लड़ी थी और वो PDP की जो है नेता बन के निकली है। तो ब्रिजवेश्वर या बैजीवर या ब्रिज बेहरा कह सकते हैं, अनंतनाग में पड़ता है। कहते हैं इस अनंतनाग में ब्रिज बेहरा है, गुरु नानक जी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है श्री गुरु नानक देव जी का। सो दोस्तों, ब्रिज बेहरा में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो अनंतनाग में पड़ता है गुरु नानक देव जी का जो है गुरुद्वारा यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। एंड कल्हान भी कहता है, इसको मेंशन किया गया है अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में, ब्रिज बेहरा नाम का कोई ऐसा उस टाइम पे था। सो यहाँ पे जो किंग सचिनार, ठीक है, तो ये इतना डीप नहीं जाएंगे, और जो है जो टेंपल अनंत देव के टाइम पे इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, टेंपल कौन सा था? चक्रादूर, चक्रादूर और ब्रजेश्वर टेंपल जो था वो अनंत देव के द्वारा बनाया गया था। कहाँ पे? अनंत। तो आगे बढ़ेंगे, दाचिन, दाचिनपुरा मान लेते हैं अनंतनाग में पड़ता है। डेलगाम भी अनंतनाग में, 105 विलेजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लाइक हरदू सिचियाँ, पलपोरा, फतेहपोरा। फतेहपुरा जो है अनंतनाग में पड़ता है। फिर कोरकनाग, कोरकनाग एक ब्रेन कह लो कि रेन वैली है, जो एक गोल्डन क्राउन भी कहा जा सकता है कोरकनाग को, इसलिए मैंने कहा था कि फेमस कोरकनाग जो है क्राउन कहा जाता है, कश्मीर का गोल्डन क्राउन, ठीक है, उसे कहा जाता है। आगे हम बढ़ेंगे तो प्लेस जो है यहाँ पे फेमस प्लेसेस, जैसे फ्रेश वाटर स्प्रिंग जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, और भी ठीक है, मट्टन हो गया, मट्टन जो है हिंदू मेजोरिटी पीपल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, स्पिरिचुअल हिस्ट्री है यहाँ की। ठीक है, वेरीनाग अगर हम बात करें तो ये नोटिफाई एरिया है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का। और ऑक्टोगोनल मतलब कि मतलब कि आप समझ लीजिए ना, 8 ऑक्टोगोनल, 8 स्टोन बेसिन एंड वेरीनाग स्प्रिंग। वेरीनाग टाउन है और वेरीनाग स्प्रिंग भी वहाँ पे देखने को मिलती है, और ये वेरीनाग स्प्रिंग जो है झेलम रिवर से निकली हुई है। आगे अगर हम बात करें पुलवामा की, तो पुलवामा में हमारा आता है अवंतीपुरा और अवंतीपुर। अवंतीपुरा हमें पता ही है, अवंती वर्मन ने निकाला था, एंड अवंती वर्मन ने ही क्या किया था, इस तरह से जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अवंतीपुर। तो आगे हम बढ़ेंगे अवंतीपुरा से, तो यहाँ पे हमें अवंती वर्मन ने ये इसको इस्टेब्लिश किया था, इस सिटी या इस टाउन को कह लो, डिस्ट्रिक्ट को कह लो। तो इस तरह से अवंतीश्वर टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है। जौ बरेली सेंटर है, ठीक है। इस तरह से वितिस्ता, ठीक है, रिवर झेलम को वितिस्ता रिवर भी कहा जाता था, एंड इसको इस टेम्पल में शिवा टेम्पल को डेडिकेट किया गया है। आगे हमारा आता है क्रियू या क्रियू क्रू, ठीक है, तो ये है पुलवामा का फेमस डिस्ट्रिक्ट, कह सकते हैं कि एक टाउन। गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और इस तरह से जो है आगे हम बढ़ेंगे तो पंपोर, ठीक है, पंपोर और पैंपोर जो है ये टाउन जो है यहाँ पे हमें मिलते हैं, पुलवामा में मिलता है। यहाँ पे हमें सैफ्रन कल्टीवेशन देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। जब हम सैफ्रन कल्टीवेशन देखते हैं, तो जब पूछा जाता है कि सैफ्रन टाउन ऑफ कश्मीर कौन सा है, तो दैट इज़
हमारा आता है पंपोर। पंपोर तो यहाँ पे हमने देखा, पंपोर जो है सैफ्रन कल्टीवेशन के लिए बहुत जाना जाता है। आगे हम बढ़ेंगे पुलवामा, ठीक है। तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, पुलवामा ही एक एरिया है। तो पुलवामा जो है फेमस फॉर द दूध कुल ऑफ कश्मीर। दूध कुल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? पुलवामा को कहा जाता है। एंड आनंद ऑफ कश्मीर भी इसे कहा जाता है पुलवामा को। और कहते हैं कि हाई मिल्क प्रोडक्शन जो है पुलवामा में देखने को मिलता है। एंड यू नो, ठीक है, आगे हम तरल देखेंगे। तरल एक पुलवामा का डिवीज़न है, सब डिवीज़न है, और एक स्मॉल टाउन एरिया है, ठीक है। और माउंटेन के फुटहिल्स में हमें देखने को मिलता है। वुलर पुरगाना, ये एक एरिया है वुलर पुरगाना, जो पुलवामा में ही है। एंड यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हमें देखने को मिलती है, दैट इज़ तारसर एंड मारसर। तारसर और मारसर ये जो है पुलवामा में ही देखने को मिलती है। आगे हम बढ़े कुलगाम। तो कुलगाम में काजीकुंड, मैंने कहा था कश्मीर में अगर आपने एंट्री लेनी है तो दैट इज़ योर काजीकुंड, ठीक है। काजीकुंड एक गेटवे है, काजीकुंड एरिया है जहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं कश्मीर वैली में। एंड यहाँ पे ठीक है, कुलगाम हमने देख लिया, तो कुलगाम में काजीकुंड पड़ता है। एंड इस तरह से जो है अरहबल, अरहबल एक हिल स्टेशन है जो साउथ वेस्ट में पड़ता है, कश्मीर वैली की साउथ वेस्ट में हमें देखने को मिलता है, लाइक पीओके वाला एरिया है ना। तो कैपिटल, स्टेट कैपिटल भी है एक तरीके से श्रीनगर की। एंड ये लोकेटेड है वैशू या वसू, वसू रिवर के यू नो बैंक पे, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। आगे हमें पढ़ना है, एक ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। वैसू रिवर कौन क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, और अल्पाइन वैली जो है कवर होती है, ठीक है। इसमें ही जो है हमें देखने को मिलती है अल्पाइन वैली, जो पाइन्स और फर ट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड ऑल्सो तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे अरहबल, जो एक झेलम रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वेशू, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। आगे हमारा आता है कुलगाम। कुलगाम खुद में ही टाउन है, जो हम पढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा, ठीक है। तो कुलगाम में एक पढ़ती है हमारे रिलीजियस संत, जो हमारे सैयद सीमन। ठीक है, पीछे से जम्मू श्रीनगर हाईवे होता है, और आगे से जब बारामूला उरी तक जाता है वो एरिया, श्रीनगर से ही जो ले में जाने वाला रोड है उसको श्रीनगर ले हाईवे कहते हैं, जो हमने नहीं पढ़ा। एंड उसमें ही हमें बुजपुरा टाउन जो है श्रीनगर में पड़ता है, अंकर लेक देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इनहेबिटेंट्स जो है माइग्रेट कर जाते हैं डाउन टाउन टू श्रीनगर, ठीक है। ये हमें देखना होगा मुनव्वर आबाद। मुनव्वर आबाद एक हार्ट है, ठीक है, श्रीनगर का एक हार्ट माना जाता है, ठीक है। हार्ट नहीं कह सकते, हार्ट तो एक फीलिंग है। मुनव्वर इज़ नाउ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल हब, ठीक है। हार्ट क्यों है? कमर्शियल हब बन चुका है यहाँ पर सिटी का मुनव्वर आबाद, ये हमें भूलना नहीं होगा। आगे हमारा पड़ता है नावहट्टा। नावहट्टा इज इन हिस्टोरिकल मॉस्क कह सकते हैं, ठीक है। और जामा मस्जिद जिसे हम कहते हैं। देर आर वेरियस श्राइन्स लोकेटेड इन दिस एरिया। ज़िरत नशाक बाद साहिब, ये जो है
जो ग्रेवयार्ड जो होते हैं ना वहाँ उसकी विसनिटी में पड़ता है। तो ये तो हमें पढ़ना था तो पढ़ लिया, श्रीनगर में पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात कर लें तो बोनियार जो है एक अर्बन एरिया माना जाता है, इसलिए यहाँ पे म्यूनसिपालिटीज़, कमिटीज़ या म्यूनसिपालिटीज़ देखने को मिलती हैं। डांगीवाचा एक स्मॉल टाउन है बारामूला का, और डांगीवाचा जो है कनेक्ट करता है हमारे स्पोर ये रास्ते में जाते हुए मार्जीगुंड। मार्जीगुंड इज़ फेमस फॉर एप्पल ऑर्कर्ड्स, ऑर्चर्ड्स कह सकते हैं, या ऑर्कर्ड्स व्हाट इट विल बी प्रोनाउंस। ओके, सो नेक्स्ट डांगीवाचा जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है यहाँ पे, जो लोकल क्लब वाले होते हैं या स्कूल वाले पीपल्स होते हैं वहाँ पे मेनली स्पोर्ट्स करते हैं, यहाँ पे खेले जाते हैं स्पोर्ट्स से मार्जीगुंड, और ये जो मार्जीगुंड है फेमस है। ठीक, तो ये था हमारा कुछ, और हमारा आ गया था फिरोजपुरा। फिरोजपुरा में एक विलेज है फिरोजपुर बारामूला में, एंड इकोनॉमिकली ये डिपेंडेंट है किस पे, गुलमर्ग टूरिज्म पे। ठीक है, RBA क्रेडिट करता है इसको, बहुत सारा लोन प्रदान करता है ताकि जो बैकवर्ड एरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं वो उनको मेन स्ट्रीम में लाना। और फिरोजपुरा में गुलमर्ग है। ठीक है, गुलमर्ग जो है कहाँ पे, बारामूला में पड़ता है, और गुलमर्ग में टूरिज्म इज़ बेस्टेस्ट। ठीक है, दुनिया का जो नेक्स्ट भी हम अगर पढ़ेंगे तो हमारा आता है हांदीपुरा। हांदीपुरा जो या हांडीपुरा, हांदीपुरा एक विलेज है बारामूला डिस्ट्रिक्ट का, एंड इसको हार्ट ऑफ राफियाबाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हादीपुरा के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पट्टन। तो पट्टन जो है एक म्यूनसिपैलिटी कमिटी है, ठीक है, बारामूला की। पट्टन वाज वन ऑफ द हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ कश्मीर। जब कश्मीर पहले अलग था जम्मू से, तो उस समय कश्मीर की जो राजधानी हुआ करती थी, तो पुराने ज़माने में तो पट्टन ही हुआ करती थी, ये हम देखेंगे आगे। अगर हम पढ़ लें तो इसमें नियरली एक सेंटर है जो पट्टन है, एक वैली है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। 4 पैलेसेस हैं यहाँ पे, 2 म्यूनसिपैलिटीज़ देखने को मिलती है। अगर हम आगे पढ़ें राफियाबाद के बारे में, राफियाबाद एक बारामूला का एक सब डिवीज़न एरिया है राफियाबाद में। आगे हम पढ़ लेते हैं स्पोर। स्पोर एक प्रॉस्परस, ठीक है, प्रॉस्परस एप्पल टाउन है, यहाँ पे बहुत एप्पल्स मिलते हैं, एंड वी हैड यू नो यहाँ पे ट्रेड भी होता है एप्पल्स का कहीं ना कहीं, एंड लार्ज नंबर ऑफ हैमलेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, और लार्ज फ्रूट ट्रेड सेंटर भी इसे माना जाता है स्पोर। तंगमर्ग हो गया, तंगमर्ग जो है एक बारामूला की टाउन कह लो वो है। तंगमर्ग जो है बहुत सारी इसमें टूरिज्म के लिए तंगमर्ग जो है जाना जाता है। बेसिकली हमें याद होना चाहिए कि बारामूला में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी हमें एप्पल्स के बारे में जाना, पट्टन जो है हिस्टोरिकल कैपिटल के बारे में जाना, फिर हमने जाना कि स्टेडियम कहाँ कहाँ पे है, एंड अभी हम पढ़ रहे हैं टंगमर्ग। टंगमर्ग में गुलमर्ग है, फिर हमारा जो है बहुत सारे जंदपाल, बदरकोट, जब हम जाते हैं ना बारामूला में तो हमें ये सभी जगह देखने को मिलती हैं, बाबर राशी है ना। तो इस तरह से उरी जो है एक टाउन है इसी का, बारामूला का, एंड रिवर झेलम यहाँ से पास ऑन होती है। यहाँ पे नेशनल हाईवे 1A है जो अभी नेशनल 44 कहलाता है। यहाँ का जो व्यू है झेलम रिवर से अगर देखें तो बहुत पीसफुल है, एंड सीनिक ब्यूटी मतलब कि एलोर है। जेलोरा को देखें तो जेलोरा नर्दर्न मोस्ट विलेज है बारामूला का, एंड ये एक वैली जो है
फेंस हो गई है माउंटेन की इर्द गिर्द से, एंड थ्री साइड से जो है लाल कुल कैनाल्स भी देखने को मिलती है। तो ये था हमारा बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टूरिज़्म के हिसाब से। और बहुत सारे हमने यहाँ पे देखे, बहुत सारे टाउन्स देखे। अभी हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट शोपियाँ। तो शोपियाँ में हमारा आता है बालापोरा, जो बालवीर शाह के नाम से जाना जाता है। पहले इसको बालवीर के नाम से जाना जाता, अब धीरे धीरे इसका नाम ऐसे बदलता चला गया। ग्रीन एप्पल्स यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं शोपियाँ के बालपुरा में। आगे अगर इसमें थोड़ा सा और जाने तो ठीक है, मनसिमपुरा एक विलेज है शोपियाँ का, ये भी हमें। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं हंदवाड़ा, जो कुपवाड़ा का एक छोटा टाउन है, जिसे म्यूनसिपैलिटीज़ में गिना जाता है। एंड ऑल्सो ये जो है कुपवाड़ा में एक हंदवाड़ा रीजन है, तो बेसिकली हम पढ़ते हैं ठीक है। आगे हम बडगाम पढ़ें तो यहाँ पे चरारे शरीफ देखने को मिलती है ना, जो चदूरा बडगाम, बडगाम हो गया ठीक है। इसमें रेलवे स्टेशन जो है, रेलवे लाइन सॉरी, कश्मीर की रेलवे लाइन जो है राजेश राजबंसर स्टेशंस के नाम से ठीक है। बडगाम जो है इसमें हमें जो एयरपोर्ट्स वगैरह हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं ठीक है। तो एयरपोर्ट का बेस जो है श्रीनगर का, वो हमें देखने को मिलता है। ओके सो पॉपुलेशन बडगाम की 15,000 थी 2001 के सेंसस से, है ना। और इस तरह से जो बडगाम के बारे में हम जाने ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं बीरवाह। बीरवाह जो है वो एक सेंट्रल कश्मीर में आता है ठीक है, और एक सब डिविजन्स में आता है। ओके तो आगे हम बढ़ लेते हैं। बीरवाह को जानने की ज़रूरत नहीं है। अब नजदीक पंजाल माउंटेन रेंजेस जो है, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है मंगम बीरवाह और नाराबंद, एक फेमस मार्केट है यहाँ के ठीक है। मंगम जो है फेमस टाउन है, म्यूनसिपैलिटी कमेटी यहाँ पर बनाई हुई है। यहाँ पर म्यूनसिपल पार्क आती है, यहाँ पर यहाँ पे मंगम हॉस्पिटलिटी और यहाँ पे भी बनाई गई है तहसील। और अगर हम बात करें मार्केट एस्टैब्लिशमेंट भी ठीक है, बिजनेस यहाँ ओपन हो गए हैं। मंगम जो है इम्पोर्टेंट, ये लार्जेस्ट बिजनेस हब कह सकते हैं इसको, कि बडगाम का मंगम नाम से ठीक है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके तो यूस मार्ग और यूस मार्ग स्टेशन है बडगाम में ही, ये वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है कश्मीर रीजन के। 47 किलोमीटर साउथ श्रीनगर से साउथ में ठीक है। तो ये जो मंगम जो है बिजनेस हब कहा जा सकता है, भी बाहर जो है बडगाम में है, जिसमें रेलवे लाइन चरारे शरीफ क्या है, ये हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज सीखने होना चाहिए। नेक्स्ट वी है गांधीपुरा। गांधीपुरा में सबसे ज़्यादा जाता है गुरई या गुराई, गुराई के नाम से गुराई किया जाता है। एंड और अगर हम इसकी बात करें ठीक है, तुलेल बहुत उल्टा पुलटा नाम है, ऐसा कुछ भी समझ नहीं आता। आगे पार्ट ऑफ बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट एंड अदर पार्ट ऑफ यू करिए। कुछ पार्ट जो गुरेज का है वो बांदीपुर में पड़ता है, कुछ जो है भी पड़ता है ठीक है। दवार एक सेंट्रल टाउनशिप एरिया है, और ड्यू टू हाई स्नोफॉल स्नोफॉल विंटर में क्या होता है कि यहाँ पे बारिश नहीं होती, सीधा स्नोफॉल होता है। तो स्नोफॉल जो है दवार में गिरता है और 6 मंथ तक यहाँ पे ये टाउन बंद ही रहता है। हालांकि अभी बहुत सारे टनल्स का निर्माण किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। कालूसा, कालूसा एक विलेज है बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है
एंड यहाँ पे जो है शारदा मंदिर का निर्माण किया गया है। टेंपल में बिलीव किया जाता है कि जो माँ शारदा है वो यहाँ पे रहती थी। एंड जो ओरिजिनल टेंपल है वो मतलब कि एक तरीके से जो टेंपल है वो पीओके में पड़ता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आता है गांदरबल। गांदरबल एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें तो ये श्रीनगर से काब आउट की गई है, श्रीनगर से निकली हुई एक डिस्ट्रिक्ट है। कंगन नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखेंगे। कंगन एक यहाँ में जो है नाला सिंध हमें देखने को मिलता है। लार अगर देखें, लार भी एक टाउन है यहाँ का, गांदरबल का एक न्यूली इस्टेब्लिश तहसील है, ठीक है। और न्यूली कंस्ट्रक्टेड इसमें हमें मिलता है बाईपास NH-1D। NH-1D जो है वो मर्ज कर दिया गया 1944 में। फुटहिल्स ऑफ हिमालय माउंटेन्स एंड कैचमेंट ऑफ एशिया नाला सिंध। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बट ठीक है जो हमारा पड़ता है सोनमर्ग। जैसे हम पढ़ते हैं जब हम फॉर एग्जांपल हम कश्मीर में जाना चाहते हैं तो कश्मीर में हमें चाहिए क्या, हमारा ये कलर क्यों चल रहा। तो दोस्तों सोनमर्ग जो है, सोनमर्ग हमें देखने को मिलता है हिल स्टेशन में, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आगे अगर हम बात करें तो सोनमर्ग जो है एक कश्मीर में एक यू नो इकोनॉमिक को बूस्ट अप करने के लिए गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है। हिल स्टेशन है यहाँ पर, बहुत सारी हिमालयन सोनमर्ग और गुलमर्ग और बहुत सारी जो यू नो डल लेक, बुलो लेक, निशांत बाग, ये सभी जगहें जो है कहीं ना कहीं एक ब्यूटी नेचर ब्यूटी सकते हैं उसका एक प्रतीक है। गांदरबल में सोनमर्ग पड़ता है, हमें सभी